बिसम रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं मेरा नाम राय नूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ इस वीडियो का जो कंटेंट है वो एक्सरसाइज नाइन पॉइंट फोर एफ एस सी मैथ पार्ट वन चैप्टर नाइन आपको पता है कि फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज का नाम है और इस लेक्चर में हम क्वेश्चन सिक्सटीन से ट्वेंटी फोर तक डिस्कस करेंगे यानी कि इस एक्सरसाइज के ये लास्ट क्वेश्चन हैं तो आईन जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सिक्सटीन में देखिए तो वन माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा ओवर वन प्लस साइन थीटा तो ये प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन हैं यानी कि प्रूफ द आइडेंटिटीज़ तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर अपने राइट हैंड साइड जो है वो प्रूफ करनी है या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करनी है तो नॉर्मली हम साइड से ही राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं यहाँ पर आप देखें तो वन माइनस साइन थीटा ओवर वन प्लस कोस थीटा है तो आप इसको जो है डिनोमिनेटर में सिंगल कोस थीटा है तो जो राइट हैंड साइड है उसमें तो कोज ओवर वन प्लस साइन है तो आप इसको जो है वो एक ही अभी हमें जेन में आ रहा है कि मैं इसको रैशनलाइज कर दूँ तो यह आ जाएगा जी वन प्लस साइन थीटा ओवर वन प्लस साइन थीटा इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया अब नोमिनेटर में देखें तो वन माइनस साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो वन का स्केयर वन आ गया और साइन साइन से मल्टीप्लाई होके क्या बना साइन स्क्र थीटा ओवर कोस थीटा और ये आ जाएगा वन प्लस साइन थीटा ओके अब अब देखें तो वन माइनस थीटा किसके इक्वल है अब हमें फंडामेंटल जो आइडेंटीज़ हैं टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बेसिक वो तीन हैं को स्क्र प्लस साइंस स्क्र इज इक्वल टू वन होता है इसी तरह वन प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू सिकंड थीटा होता है फिर वन प्लस को स्क्र थीटा इज इक्वल टू को थीटा होता है ये तीन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक की बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं यहाँ से आप देखें तो को थीटा किसके इक्वल होगा साइंस को मैं उधर ले जाता हूँ तो वन माइनस साइंस स्क्वेयर थीटा अब ऊपर आप वन माइनस साइंस स्क्र थीटा की जगह पे लिख दें को स्क्वेयर थीटा ओवर डिनोमिनेटर वैसे का वैसे ही लिखता जाएंगे कोस थीटा प्ल इ टू वन प्लस साइन थीटा इसमें सॉरी इसमें देखें तो कोस कोस से कैंसिल कर देंगे और कोस थीटा ओवर वन प्लस साइन थीटा तो यही हमारी राइट हैंड साइड है कोस थीटा ओवर वन प्लस साइन थीटा और यही राइट हैंड साइड है जी ओके okay? तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो सिक्सटीन है वो हमारा कंप्लीट होता है जी ओके okay? आए जी अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन पे सेवनटीन <coughs> में देखें तो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड तो टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर है अब देखिए टेन को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन ओवर कोस इस पर डायरेक्ट जो है ना आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला नहीं लगाना ठीक है इसको पहले आप साइन ओवर कोस में चेंज कर लें और कोस को जो है कोट को जो है वो कोस ओवर साइन में चेंज कर लें और ऊपर उसका स्क्वेयर है अब इसका जो है ना वो आप एलसीएम लें तो ये आ जाएगा कोस थीटा साइन थीटा कोस से कोस कैंसिल हुआ साइन साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा साइन से साइन कैंसिल हुआ कोस कोस से मल्टीप्लाई के बन जाएगा कोस स्क्वेयर थीटा और बाहर जो स्क्वेयर है वो एज इट इज़ पड़ा हुआ है अब देखिए जी साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर किसके इक्वल होता है वन के ओवर कोस थीटा और साइन थीटा का होल स्क्वेयर। अब देखें तो ऊपर वन वन का स्क्वेयर वन ही होगा और इन दोनों का अब स्क्वेयर आ जाएगा यानी कि टोटल का स्क्वेयर है ना तो ये आ जाएगा वन ओवर कोस स्क्वेयर थीटा एंड साइन स्क्वेयर थीटा तो इसका डिनोमिनेटर में कोज और साइन जो पड़ा हुआ है इसका अलहदा आहदा स्क्यर बन गया तो ये आ जाएगा वन ओवर को स्क्र थीटा एंड वन ओवर साइन स्क्वायर थीटा तो वन ओवर को स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा सिकन स्क्वायर थीटा और वन ओवर साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है कोसिकन स्क्वायर थीटा ठीक है ना ये इस यानी कि इसका रेसी रैस, प्रोकल कोस का जो रेसी प्रोकल होता है वो सीकट होता है तो ये क्योंकि वन ओवर को स्क्वेयर है तो ये सिकन स्क्वेयर बन गया और वन ओवर साइंस स्क्वेयर जो है ये कोसिकेंड स्क्र थीटा बन गया इस तरह से ये हमारी राइट हैंड साइड जो है वो प्रूव हो जाती है ओके okay, अंडरस्टैंड कर रहे हैं समझ आ रही है आप लोगों को ओके okay जी तो स्टार तो बनता है जी अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन पे एटीन जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका एक छोटा सा ट्रिक है तो वो आपने याद रखना है टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा माइनस वन ओवर टेन थीटा माइनस सिकंड थीटा प्लस वन अगर मैं इसको रैशनलाइज करूं या टेन को मैं साइन ओवर कोज लिखूं सिकंड को मैं वन ओवर कोज लिखूं तो काफ़ी कम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाता है ये तो इसमें बेटा आपने ना एक बस टेक्निक है ये कि जो माइनस वन है ना ऊपर ये वाला जो वन है यहाँ पर आइडेंटिटी लगानी है कौन सी वो लगानी है जी वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सिकंड स्क्वेयर थीटा यानी कि वन इज इक्वल टू सिकंड स्क्र थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा ये आइडेंटिटी जो है ये लगानी है हमने यानी कि ऊपर वाले इस वन की जगह पे तो मैं इसको लिख लेता हूँ टेन और सिकंड वाली आइडेंटिटी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि पहले क्वेश्चन में टेन और सिकंड पड़ा हुआ है तो ये आ जाएगा टेन थीटा प्लस सीकंड थीटा माइनस इस ऊपर वाले वन की जगह पे हमने लिखा सीकंड स्क्वेयर थीटा एंड माइनस टेन स्क्वेयर थीटा ओवर जो डिनोमिनेटर है ना इसको वैसे ही लिखते जाना है इसमें अभी कोई चेंज नहीं करनी बल्कि एंड तक कोई चेंज नहीं होनी इसमें अच्छा जी अब ऊपर ये जो है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बन रहा है ना ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर तो इसको मैं एक दफ़ा ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकता हूँ तो ये आ जाएगा सिकंड थीटा प्लस टेन थीटा और सिकंड थीटा माइनस माइनस टेन थीटा ओवर ठीक है जी डिनोमिनेटर में ट थीटा माइनस सिकंड थीटा प्लस वन एज इट इज अब आप जरा गौर करें टेन प्लस सिकंड जो ऊपर पड़ा हुआ है इधर टेन प्लस सिकंड और ये टेन प्लस सिकंड कॉमन है यानी कि ये सिंगल वैल्यू है ये डबल वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो अगर मैं टेन प्लस सिकंड कॉमन ले लूँ टेन प्लस सीकंड कॉमन लिया अब देखिएगा अब जब ये कॉमन लिया तो इसकी जगह पे तो प्लस वन बन गया टेन प्लस सिकंड की जगह पे वन आ गया अब सीकंड प्लस टेन तो बाहर चला गया यहाँ से माइनस ये बच गए बच जाएगा यानी कि सिकन माइनस टेन सिकंड थीटा एंड माइनस टेन थीटा ओके डिनोमिनेटर वैसे का वैसे लिख दिया टेन थीटा माइनस सिकंड थीटा प्लस वन फॉलो करें बात दोबारा देख लें सीकंड स्केयर माइनस टेन स्केयर को मैंने ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखा और ऊपर से जो टेन प्लस सीकंड है उसको कॉमन ले लिया जब टेन थीटा प्लस सिकंड थीटा को कॉमन लिया तो इसकी जगह पे वन आ जाएगा फिर माइनस बाहर और सीकंड माइनस टेन ब्रैकेट में आ जाएगा ओके अब इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा टेन थीटा प्लस सीकंड थीटा वन माइनस सिकंड थीटा और माइनस माइनस प्लस टेन थीटा ओके ओवर अब नीचे देखें डिनोमिनेटर में तो अगर मैं इसको अरेंज करके थोड़ा लिखूं तो ये वन माइनस सीकंड थीटा प्लस टेन थीटा ही बनता है नीचे डिनोमिनेटर में यानी कि वन को मैं पहले लिख लूँ माइनस सिकंड थीटा प्लस टेन थीटा तो अब आप देखें तो वन मानस सिकंड प्लस टेन जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा तो टेन प्लस सिकंड जो है ये आ जाएगा हमारे पास और ज़रा आप गौर करें तो यही हमारी राइट हैंड साइड थी ओके तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये इसको आप अच्छे से देख लें दोबारा कोई प्रॉब्लम हो आप दोबारा पूछ भी सकते हैं ओके जी तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन की तरफ ओके जी? क्वेश्चन नंबर नाइनटीन चले ये भी जो है क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट है और इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं वन ओवर कोसिकंड माइनस कोट और माइनस वन ओवर साइन थीटा अब इसमें जो है ना आपने एलसीएम नहीं लेना राइट हैंड साइड में देखें तो वन ओवर साइन तो मौजूद है इसमें लेफ्ट हैंड साइड में और वन ओवर कोसिकंड प्लस कोट चाहिए हमें इधर वन ओवर कोसिकंड माइनस कोट है तो ये जो वन ओवर कोसिकंडन प्लस कोट है ना वो आप इसमें प्लस माइनस कर दें अपनी तरफ से तो ये बन जाएगा वन ओवर कोसिकंड थीटा माइनस कोट थीटा माइनस वन ओवर थीटा प्लस वन ओवर कोसिकेंट प्लस कोट और माइनस वन ओवर कोसिकन्ट प्लस कोट ओके यानी कि वन ओवर कोसिकंड प्लस कोट मैंने प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया आपने बोर नहीं होना बिल्कुल साथ साथ रहना है अब अब देखें जो चीज़ें हमें चाहिए ना उसको तो छेड़ना नहीं है जैसे माइनस वन ओवर कोसिकंड प्लस कोट हमें चाहिए ओके okay, और वन ओवर साइन भी चाहिए तो इसको सेपरेट कर लें और इन दोनों का अब एलसीएम ले लें यानी कि मैं लिखता हूँ वन ओवर कोसिकन्ट माइनस कोट प्लस वन ओवर कोसिकंड प्लस कोट और माइनस वन ओवर साइन और माइनस वन ओवर कोसिकन प्लस कोट ठीक है जी यानी कि ये जो वन ओवर कोसिकन प्लस कोट है इसको उठा के मैं इसके साथ ले आया और माइनस वन ओवर साइन जो उसको सेपरेट कर दिया इन दोनों को अलहदा लिख दिया अब इसको एज इट इज़ लिखते जाना है और इसको सॉल्व करते हैं ये टेक्निक है इस क्वेश्चन की ज़रा बस क्वेश्चन नंबर एटीन और नाइनटीन में ये चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं अब इसका एल्सियम लिया बेटा तो दोनों जो हैं आ जाएंगे कोशिकंड माइनस कोट कोसीक माइनस कोट और कोसीकंड प्लस कोट ठीक है कोशिकंड प्लस कोट, और कोसीिकंड माइनस कोट इससे कैंसिल हुआ तो कोशिकंड प्लस कोट जो है वो वन से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा कोसीिकंड थीटा और प्लस कोट थीटा कोसीिकंड प्लस कोट इससे कैंसिल होगा तो कोसिकंड माइनस कोट जो है वो वन से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा कोसिकंड माइनस कोट थीटा जी ओके okay? समेरे बात आप और माइनस वन ओवर साइन थीटा और माइनस वन ओवर कोसिकंड और प्लस कोट थीटा वो वैसे का वैसे ही साथ लिख दिया अब आप देखें तो ये माइनस कोट और प्लस कोट कैंसिल हो गया कोसिकंड प्लस कोसिकंड को ऐड करें तो ये आ जाएगा टू टू कोशिकंड थीटा ओवर कोसिकंड माइनस कोट और कोसिकंड प्लस कोट को आपस में मल्टीप्लाई करना है ये ए प्लस बी है ये ए माइनस बी है तो ये आ जाएगा कोसिकंड कोसिकंड स्क्वेयर थीटा माइनस प्लस माइनस और कोट को कोट से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस कोट स्क्वेयर थीटा ओके और ये आ जाएगा जी माइनस वन ओवर साइन वैसे का वैसे आ जाएगा और माइनस वन ओवर कोसिकंड प्लस कोट वैसे का वैसे लिख देंगे साथ हम मजीद देखें तो यहाँ पर आप एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं हमें पता है कि वन प्लस कोट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कोसिकन स्क्वेयर थीटा होता है तो अगर मैं कोट स्क्वेयर को उधर ले जाऊँ तो ये बन जाएगा कोसिकन स्क्वेयर थीटा और माइनस कोट स्क्वेयर थीटा तो ये बेटा जो आइडेंटिटी है वो यहाँ पे आप अप्लाई कर दें तो ये बनेगा टू टू को सिकंड थीटा ओके ओवर वन माइनस वन ओवर साइन थीटा माइनस वन ओवर को थीटा एंड प्लस कोट थीटा ओके ये आप देखें तो ये शुरू से ही वैसे का वैसे हम लिखते आ रहे हैं हम सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं ओके टू को सिकंड थीटा ओवर वन माइनस वन ओवर साइन माइनस वन ओवर कोशिकंड प्लस कोशिकंड को मैं क्या लिख सकता हूं वन ओवर साइन ओके तो ये बन जाएगा आ, ये था टू कोशिकंड था ना तो टू कोशिकंड की जगह पे मैंने लिखा वन ओवर साइन फिर वन ओवर साइन थीटा और फिर था जी साथ माइनस वन ओवर कोसिकन थीटा और प्लस कोट थीटा ओके अब मैं इसको लिख सकता हूँ टू ओवर साइन ओके और माइनस वन ओवर साइन और माइनस वन ओवर कोसिकंड प्लस कोट ओके यहाँ तक आपको समझ आ रही है समझ आ रही है इंशाल्लाह अच्छा जी अब आप देखें अब इसका एलसीएम ले लें क्या बनेगा साइन थीटा और ऊपर आ जाएगा टू माइनस वन माइनस वन ओवर को थीटा एंड प्लस कोट थीटा टू माइनस वन किया तो वन ओवर आ, वन ओवर साइन थीटा हो जाएगा और माइनस वन ओवर को थीटा प्लस कोट थीटा तो देखें क्या यही हमारी राइट हैंड साइड नहीं थी यही क्वेश्चन की राइट एंड साइड बनती है वन ओवर साइन माइनस वन ओवर कोसिकन प्लस कोट ओके तो इस तरह से ये हमारा जो क्वेश्चन है इसको आप दोबारा देख सकते हैं तो ये कंप्लीट हो गया जी ओके वन ओवर को सिकन प्लस कोट जो है वो प्लस माइनस किया फिर प्लस वन ओवर कोसिकंड प्लस कोट को इधर लाए माइनस वन ओवर साइन को सेपरेट लिखा फिर इन दोनों का हमने एलसीएम लिया ये वैसे साथ लिखते गए फिर कोशिकंड स्क्र माइनस कोट स्क्र की जगह पे आइडेंटिटी लगाई वन लिखा फिर कोशिकंड को हमने वन ओवर साइन लिखा ठीक है जी फिर दोनों का एलसीएम लिया तो देखिए राइट हैंड साइड हमें मिल गए ओके जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो इसको अच्छे से आपने तैयार करना है। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ओके इधर है जी मिल गया जी क्वेश्चन ट्वेंटी इसमें देखें तो लेफ्ट हैंड साइड साइन क्यूब थीटा और माइनस कोस क्यूब थीटा इस पर अलजब्रा का फार्मूला लगता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्र ये फार्मूला जो है इस पर हमने अप्लाई करना है आपको पता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू वाला फार्मूला भी होता है ये ऐसे लिख रहा हूँ वैसे यहाँ पर अप्लाई तो नहीं हो रहा ये ए क्यू प्लस बी क्यू वाला तो इंटू ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर होता है ओके अब बेटा यहाँ पर हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है ए की वैल्यू साइन थीटा है और बी की वैल्यू कोस थीटा है तो ये बन जाएगा साइन साइन थीटा माइनस कोस थीटा और ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा और बी की जगह पे लिखा कोस थीटा तो ये कोस स्क्वेयर आ जाएगा क्योंकि बी के ऊपर स्क्वेयर है अब अब देखें तो आपके पास यानी कि सिंपल फार्मूला सिंपल जो है ये प्रूव हो गया साइन माइनस कोस लिखा और साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोसकेयर थीटा प्लस थीटा एंड कोस थीटा साइन केयर प्लस कोसकेयर की जगह पे क्या लिख सकते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटी है तो थीटा माइनस कोस थीटा और इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं वन तो यह आ जाएगा वन प्लस थीटा और कोस थीटा क्या इसको मजीद सोल्व करना है जी नहीं करना सोल्व देखें यह हमारी राइट हैंड साइड जो है वो प्रूव हो गई और इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जी ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया ओके okay जी चलें जी आगे लो जी क्वेश्चन आ जाते हैं ट्वेंटी वन पे क्वेश्चन ट्वेंटी वन भी सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन है लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन है साइंस uh, की पावर सिक्स माइनस कोज की पावर सिक्स थीटा इस पर भी फार्मूला जो है वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला ही लगेगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्र ये फार्मूला लगेगा अब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या बनती है बी की वैल्यू क्या बनती है हम इसको अब चेंज करेंगे यानी कि मैं साइन की पावर सिक्स को साइन स्क्वेयर की पावर थ्री लिख सकता हूँ माइनस क्योंकि पावर की पावर जो होती है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है कोज की पावर सिक्स को मैं कोज स्क्र की पावर थ्री लिख सकता हूँ ठीक है यानी कि यहाँ पर अब आप साइंस स्क्वेयर माइनस को स्क्वेयर बाहर लिखें साइंस स्क्वेयर माइनस को स्क्वेयर ठीक है और ब्रैकेट में हम लिखेंगे साइंस स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर कोस स्क्र बी जो है वो को स्क्र है तो को स्क्वेयर का आ जाएगा स्क्वेयर ओके अब देखें इसकी जगह पे साइन स्क्वेयर माइनस को स्क्वेयर को तो हम वन नहीं लिख सकते दरमियान में अगर प्लस होता तो हम ये वन के इक्वल लिखा जाता लेकिन ये राइट हैंड रा, साइड में हमें चाहिए भी तो ये एज इट इज़ लिखते जाएंगे यहाँ पर जो है साइन स्क्र की पावर स्क्वेयर फिर को स्क्र का स्क्वेयर इसकी जगह पे आप वन नहीं लिख सकते जो आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्र प्लस को स्क्वेयर इज़ इक्वल टू वन होता है तो यहाँ पर अब अपने लिखना है साइन स्क्र और माइनस को स्क्वेयर इसको ऐसे लिखा रहने दें साइन स्क्वेयर का स्क्वेयर और प्लस को स्क्वेयर का स्क्वेयर अब इसको ना बाय कंप्लीटिंग स्क्वेयर सॉल्व करते हैं यानी कि ये जो है साइन स्क्वेयर प्लस को स्क्वेयर का होल स्क्वेयर बन जाए तो मैं इसमें ना अपने पास से प्लस टू साइन स्क्वेयर को स्क्र एड करता हूँ और माइनस भी करता हूँ माइनस टू साइन स्क्वेयर को स्क्र और ये जो पहले से प्लस साइन स्क्र कोर्स स्क्र पढ़ा हुआ है वो लास्ट में मैं लिख लेता हूँ ठीक है ये जो साइंस के प्लस कोर्स साइंस स्क्यर कोर्स स्क्र पड़ा हो तो उसको मैंने लास्ट में लिख लिया और प्लस टू साइंस स्क्र कोर्स प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया ओके तो ये आ जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कोस स्क्वेयर थीटा यहाँ से लेके ना अब यहाँ तक अपने साइंस स्केयर प्लस को स्क्वेयर का होल स्क्र लिख सकते हैं क्योंकि ये ए स्क्यर प्लस बी स्क्र प्लस टू ए बी वाली फॉर्म बन रही है तो ये बन जाएगा बेटा साइंस स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर का होल स्क्र इसको आप ओपन करेंगे तो यही फॉर्मेशन बनेगी और माइनस टू साइंस को स्क्वेयर में प्लस साइंस स्क्वेयर को करें तो ये आ जाएगा माइनस साइंस स्क्वेयर और को स्क्वेयर ओके अब इसकी जगह पर हम वन लिख लेते हैं ये बन जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा माइनस को स्क्वेयर थीटा और ये आज के वन वन का स्क्वेयर माइनस साइन स्क्र और को स्क्वेयर ओके तो ये आ जाएगा आपके पास ये आइडेंटिटी लगाई ना टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वेयर माइनस को स्क्वेयर और ये आ जाएगा वन माइनस साइन स्क्र थीटा कोज स्क्वेयर थीटा तो देखें क्या यही राइट हैंड साइड थी यही हमें राइट हैंड साइड चाहिए थी जी बिल्कुल यही चाहिए थी तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट होता है जी ओके चीज़ें बिल्कुल क्लियर वाजे में लिख रहा हूँ उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लाजमी मुझसे शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स भी कर दिया करें लो जी अब आते हैं क्वेश्चन ट्वेंटी टू पे और ट्वेंटी टू भी सेम ट्वेंटी वन की तरह है लेकिन यहाँ पर जो है वो प्लस वाला फार्मूला लगेगा साइन की पावर सिक्स प्लस कोस की पावर सिक्स यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा वो ए क्यू प्लस बी क्यू वाला फार्मूला है जो कि इक्वल होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर ओके अब यहाँ पर हम इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में चेंज करते हैं तो कैसे चेंज कर सकते हैं मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वेयर की पावर थ्री प्लस को स्क्र की पावर थ्री साइन स्क्यर की पावर थ्री प्लस को स्क्र की पावर थ्री अब इस पर फार्मूला लगाएँ तो बाहर आ जाएगा साइन स्क्वेयर प्लस को स्क्वेयर और ये आ जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वेयर का स्क्वेयर ओके माइनस साइन स्क्र थीटा कोस स्क्वेयर थीटा ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्र यानी कि प्लस को स्क्वेयर का होल स्क्वेयर ओके बिल्कुल ये फार्मूला हमने इस पर अप्लाई किया अब आप देखें तो साइंस स्केयर प्लस को स्क्यर की जगह पे क्या लिख सकते हैं वन आइडेंटिटी है ये और यहाँ पर आप साइंस स्क्र का स्क्वेयर प्लस को स्क्वेयर का स्क्वेयर इसकी जगह पे वन नहीं लिख सकते जैसे क्वेश्चन ट्वेंटी वन में हमने प्लस टू साइंस स्केर को स्क्केयर प्लस और माइनस किया यहाँ पर भी हमें इस तरह से करना पड़ेगा तो ये बन जाएगा साइंस स्क्वेयर का स्क्यर प्लस को स्क्र का स्क्वेयर एज इट इज़ लिखा ये अभी इसमें प्लस कर दिया प्लस टू साइंस स्क्र कोस्क्वेयर को और माइनस कर दिया अपने पास से टू साइंस स्केयर को स्क्वेयर और ये जो माइनस साइंस स्क्वेयर को स्केयर पहले से पढ़ा हुआ था उसको मैंने लास्ट में लिख लिया माइनस साइंस स्क्वेयर को स्क्र ठीक है जी प्लस टू साइंस स्यर कोस स्क्वेयर माइनस टू साइंस स्क्र कोस स्क्र अपने पास से किया और माइनस साइंस स्यर कोस स्क्र जो था उसको मैंने लास्ट में लिख दिया अब अब ज़रा गौर करें ये वन मल्टीप्लाई होके तो ख़त्म हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये यह जो अलजबरिक फार्मूला बन रहा है ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर प्लस टू ए बी तो ये बन रहा है साइंस स्क्वेयर थीटा प्लस को स्क्र थीटा का होल स्क्वेयर बन रहा है माइनस ये दोनों सेम वैल्यूज हैं इनको ऐड कर लें माइनस टू साइंस स्क्वेयर को स्क्वेयर और माइनस साइंस स्क्वेयर को स्क्वेयर तो ये आ जाएगा माइनस थ्री साइंस स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा ओके अब इसकी जगह पे आप लिख लें वन वन का स्क्वेयर माइनस थ्री साइंस स्क्वेयर कोस स्क्वेयर साइंस स्क्वेयर प्लस को स्क्वेयर की जगह पर आप जो है वो वन लिख सकते हैं आइडेंटी है तो ये आ जाएगा जी वन माइनस थ्री साइन स्क्वेयर थीटा एंड को स्क्वेयर थीटा लो जी हमें मिल गई राइट हैंड साइड ओके तो इस तरह से वन माइनस साइंस स्क्वेयर को स्क्वेयर चाहिए था ठीक है जी समझ आ रही है सबको सबको जी समझ आ रही है ओके okay? लो जी अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री पे ट्वेंटी थ्री जो है ईजी क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन है तो लेफ्ट हैंड साइड वन ओवर वन प्लस साइन थीटा प्लस वन ओवर वन माइनस साइन थीटा दोनों का सिंपल जो है ना आप एलसीएम ले लें या आ जाएगा वन प्लस साइन थी साइन थीटा दोनों डिफरेंट हैं तो दोनों एलसीएम में लिखेंगे और वन माइनस साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा से कैंसिल हुआ वन माइनस साइन थीटा वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा वन माइनस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा इससे कैंसिल हुआ तो वन प्लस साइन थीटा वन से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस वन वन प्लस साइन थीटा अब प्लस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा तो वन प्लस वन आ जाएगा टू ओवर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ए प्लस बी है ए माइनस बी है तो ये ए का स्क्वेयर बन जाएगा वन का स्क्वेयर और माइनस साइन स्क्वेयर थीटा ये आ जाएगा बेटा टू ओवर वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा अब यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है राइट हैंड साइड तो अभी नहीं बनी सीकेंड स्क्वेयर है तो सिकेंड स्क्वेयर होता है वन ओवर कोस स्क्वेयर तो बिल्कुल वन माइनस साइन थीटा की जगह पे हम ये आइडेंटिटी लगाएंगे को स्क्यर प्लस साइंस स्केयर इज इक्वल टू वन होता है और को स्क्र थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइंस स्क्वेयर थीटा होगा तो इस तरह से ये बन जाएगा टू ओवर को स्क्वेयर थीटा आप इसको लिख सकते हो टू इंटू वन ओवर को स्क्वेयर थीटा तो ये वन ओवर कोस किसके इक्वल होगा सीकंड स्क्वेयर थीटा के और यही हमारी राइट हैंड साइड ओके वन ओवर को स्क्वेयर किसके इक्वल होता है सिक्वेंट स्क्वेयर थीटा के ओके okay? तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है जी ओके okay? आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जी ट्वेंटी फोर और हमारे इस लेक्चर का भी लास्ट क्वेश्चन है आज तो लेफ्ट हैंड साइड कोस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा प्लस साइन थीटा अब इसका जो है ना एल्सीम ले लें ओके okay? दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं कोस माइनस साइन आ जाएगा और कोस प्लस साइन आ जाएगा जी कोस प्लस साइन ओके कोस माइनस कोस कोज माइनस कोज से कैंसिल हुआ कोज प्लस साइन जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा कोज प्लस साइन का स्क्वेयर प्लस कोज प्लस साइन इससे कैंसिल होगा तो कोज माइनस साइन जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा कोज माइनस साइन का स्क्वेयर ओके अब इस पर फार्मूला लगाएं, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर और इस पर भी फार्मूला लगाएं ठीक है तो ये क्या बनेगा ये बन जाएगा जी को स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा प्लस टू कोस थीटा एंड साइन थीटा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी यहाँ पर जो है वो ए माइनस बी का होल स्क्वेयर वाला फार्मूला लगाएं तो ये आ जाएगा प्लस को स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा एंड माइनस टू कोज थीटा एंड साइन थीटा ओके ओवर इस तरह से यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी है तो दोनों तो को मल्टीप्लाई करें कोज कोज से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा कोज स्क्वेयर थीटा माइनस साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा ओके अब आप देखें नूमिरेटर में तो टू कोज साइन थीटा टू कोस थीटा साइन थीटा और माइनस टू कोस थीटा साइन थीटा जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और को स्क्र प्लस को स्केयर को ऐड करें तो क्या बनेगा टू को स्क्वेयर थीटा साइंस स्क्र प्लस साइंस स्क्र को ऐड करें प्लस टू साइंस स्क्र थीटा ओवर बल्कि इस तरह से कर लें सिंपल को स्केयर प्लस साइंस स्यर की जगह पे वन लिख लें मैं थोड़ा सा मुश्किल बना रहा था ऐसे ना करें अब देखें को स्क्र प्लस साइंस स्केयर की जगह पे प्लस वन लिखा आइडेंटिटी को स्क्वेयर प्लस साइंस स्केयर की जगह पे प्लस वन ओवर अब डिनोमिनेटर में देखें तो हमें वन माइनस टू साइंस स्क्वेयर चाहिए ऐसे ही है यानी कि को स्क्वेयर को ख़त्म करें तो आप को स्क्वेयर की जगह पे क्या लिख सकते हैं वन माइनस साइंस स्क्वेयर थीटा लिख सकते हैं अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी ये आइडेंटिटी लगाई है को स्क्यर प्लस साइंस इज इक्वल टू वन होता है मैं दोबारा लिख देता हूँ को स्केयर प्लस साइंस स्केयर इज़ इक्वल टू वन तो को स्केयर की जो वैल्यू है ये आ जाएगी वन माइनस साइंस स्क्वेयर तो को स्क्यर की जगह पे वन माइनस साइंस स्क्वेयर लिख दिया ये आ जाएगा टू ओवर वन माइनस साइंस स्केयर माइनस साइंस स्केयर कितना हुआ जी ऐड कर दिया तो वन माइनस टू साइंस स्क्यर थीटा तो यही हमारी राइट एंड साइड बनती है ओके टू ओवर वन माइनस टू साइंस स्क्वेर थी तो स्टार तो जी बनता है तो ओके जी यहाँ तक ये यह हमारे जो ट्वेंटी फोर क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है इसको आप अच्छे से पढ़िएगा कोई प्रॉब्लम होती है आप लाजमी मुझसे पूछें अपना ख्याल रखें वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स भी करें और नेक्स्ट वीडियो तक नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आय नूर को इजाज़त दें अपना बहुत ख्याल रखें जी अल्लाह हाफिज़